आज घर में बीन्स बन रहे थे तो सोचा ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। एक पॉट लें, उसमें ऑयल गर्म होने के लिए डालें, जीरे से तड़का लगाएं, थोड़ी हरी मिर्च डालें, एक प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई, एक या दो प्याज जैसी भी पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा डालें अच्छी लगती है। इसे एक अच्छा मिक्स देते हुए थोड़ी देर इसकी भुनाई करनी है हमें। थोड़ी सी अलग तरह की बीन्स की सब्जी है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर प्याज की भुनाई हो गई है लगभग, थोड़ा इसे चला के देख लेते हैं। और हाँ, प्याज अच्छी पक रही है हमारी। तो यहाँ पे टाइम है थोड़े मसाले मिक्स करने का, उसके पहले हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे, ग्रेटेड अदरक डाल लेंगे और उसे थोड़ी देर भून लेंगे। अदरक डालना किसी भी सब्जी में अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस सब्जी का की इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बेसन है, 2 चम्मच बेसन डालनी हूँ मैं, और 1 पाव बीन्स है ये। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छा मिक्स देना है हमें और थोड़ी देर तक इसकी भुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पे ताजी कटी हुई बीन्स ले ली है मैंने। बीन्स को अच्छे से धो के साफ करके कट कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में, और यहाँ पे हम इसे डालेंगे। और जो भी करी मसाला आप पसंद करते हैं वो करी मसाला आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सांबर मसाला यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा जाता है इसके साथ। तो इसे हम अच्छा मिक्स देते हुए चलाएंगे और फिर लो फ्लेम पे कवर करके हमें इसे पकाना है। सब्जी को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, तो अच्छा मिक्स दे के ही कवर करें और लो फ्लेम पे पकाना है। वापस से खोलें, इसको चेक करेंगे, फिर से चलाएंगे ताकि हमारे मसाले जो है चिपक ना जाए। तो बीच बीच में ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पे खोल के हमें इसे चेक करना है और मिक्स करना है, वापस से कवर करना है। और जैसे ही बीन्स सॉफ्ट हो जाए समझ जाइए आपकी सब्जी तैयार है। तो इसे एक अच्छा मिक्स दे दिया है मैंने, वापस से इसे हम कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर से खोल रहे हैं इसे थोड़ी देर बाद। ये लगभग बन चली है हमारे बीन्स, देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ही सुंदर सा कलर आया है बीन्स का। बीन्स अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है जैसा कि मुझे देखने में लग रही है, इसको कट करके भी देख लिया है मैंने। और ये हमारी अच्छी सी स्वादिष्ट बीन्स की सब्जी तैयार है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है। तो अब चलिए इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लें और ऊपर से कच्चा नारियल होता है ना, उसको थोड़ा घिस के कद्दूकस करके इसमें डालें, इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बीन्स की और बेसन की, बीन्स विथ बेसन की सब्जी हमारी तैयार है। तो देर न करें, आज ही बनाएं और इसका आनंद उठाएं, अपने अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इसका आनंद उठाएं। फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।